दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट व लेटेस्ट न्यूज के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की, जिन पर रहेगी सबकी नजर और जो है आज की खास प्रमुख व बड़ी खबरें। साथ ही आएंगे दोस्तों 8 सितंबर का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान व कहाँ कहाँ जारी हुआ अलर्ट, वो कहाँ के लोगों को रहना है सतर्क। तो आइए अंदर सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको ऐसी अपडेट वॉलेट न्यूज मिलती रहे। तो पहली अपडेट न्यूज आपके निकल कर आ रही है मौसम विभाग से, स्काईमेट वेदर से, संपूर्ण भारत का 8 सितंबर 2018 का मौसम एवं मानसून पूर्वानुमान। सबसे पहले जानते हैं देश भर में कैसा बना हुआ है मौसमी सिस्टम। दोस्तों संपूर्ण भारत में अभी जो है डीप डिप्रेशन अब कमजोर होकर डिप्रेशन बन गया है और इस समय ओडिशा पर स्थित है। मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर पश्चिम पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और तटीय ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। वहीं एक चक्रवातियों का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य भागों पर बना हुआ है और एक चक्रवाती सिस्टम गुजरात पर फैला हुआ है। अब जानते हैं देश में पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया मौसम। दोस्तों देश में पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सबसे मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा तथा कर्नाटक और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली NCR और हरियाणा के कुछ भागों में तेज बौछारें देखने को मिली है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया, जबकि बाकी पश्चिमी भागों में 35 डिग्री से ऊपर तापमान के साथ मौसम बेहद गर्म और शुष्क बना रहा। अब जानते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा देश का मौसम। दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान देश के पूर्वी मध्य प्रदेश में और मध्यम से भारी बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दोस्तों अगले 24 घंटों के लिए हम कह सकते हैं पूरी मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है और कुछ स्थानों पर हो सकती है मूसलाधार बारिश। छत्तीसगढ़ के कुछ भाग है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश कुछ भागों, उत्तराखंड, हिमाचल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश रह सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के शेष भागों कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। झारखंड, बिहार, ओडिशा के कुछ शेष हिस्सों, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम गर्म और शुष्क ही बना रहेगा और जिन स्थानों का नाम यह नहीं है वहां 24 घंटे तक का अभी तक का जैसा मौसम था वहां पर वैसा ही मौसम रहने वाला है और जैसे कोई नया अपडेट आता है उनके लिए तो कल हमने सूचित करेंगे। तो दोस्तों जी आपके लिए पहले अपडेट और अलर्ट कहां होने वाली बारिश और क्या है देश का आज मौसम के हाल। तो आइए जानते हैं अन्य बड़ी खबरों को। पहली अपडेट खबर निकल कर आ रही है आपकी प्रमुख खबरों में से। आज की प्रमुख खबरों में से मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों यह अपडेट न्यूज आपको निकल कर आ रही है प्रभात खबर से। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और भाजपा की केंद्र सरकार पर कृषि संकट, खराब आर्थिक स्थिति और पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ते संबंधों का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश में मौजूदा कृषि संकट का सकारात्मक ढंग से सामना नहीं किया, किसान को अभी तक उनके उत्पादन के उचित मूल्य नहीं दिए गए। वहीं उन्होंने ये बात की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की किताब शेड्स ऑफ ट्रूथ के विमोचन के मौके पर। उन्होंने कहा कि सिब्बल की किताब में 2014 लोकसभा चुनाव से पहले किए गए मोदी के असफल वादों के बारे में बताया गया है जिसे सरकार पूरा करने में विफल रही है। मोदी के 2 करोड़ नौकरियों देने के वादे के बाद में सिंह ने कहा कि बीते 4 वर्षों में रोजगार दर में कमी आई है। अगली अपडेट है दोस्तों SC ST एक्ट के संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते से मांगा है केंद्र से जवाब। तो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है SC ST एक्ट के तहत यह पूछते हुए कि SC ST संशोधन कानून के अमल पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के संशोधन को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग की जिस पर पीठ ने कहा है कि बिना सरकार का पक्ष सुने बिना कानून के अमल पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि चूंकि यह संसद में पारित हो चुका है लिहाजा इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ये याचिका में SC ST एक्ट पर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के फैसले को पलटने के केंद्र सरकार के SC ST एक्ट संशोधन कानून 2018 को चुनौती दी गई है। यह याचिका 2 वकीलों प्रिया शर्मा, पृथ्वीराज चौहान और 1 NGO द्वारा दायर की गई है। अगली अपडेट है दोस्तों इनेलो बसपा गठबंधन के आह्वान पर हरियाणा बंद आज। दोस्तों भाजपा सरकार पर झूठे वादों, प्रदेश में बढ़ते अपराध के आरोप लगाकर इनेलो बसपा गठबंधन की ओर से शनिवार को हरियाणा बंद का
आह्वान किया है। भाजपा सरकार पर बरसते हुए इनोले नेता पूर्व मंत्री जगदीश नायर ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा SYL नहर निर्माण को लेकर इनोलो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक गुहार लगाएगी। प्रदेश के हित में इन नहर का निर्माण करवाया जाए, परंतु भाजपा सरकार के कामों पर जूं भी नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी और जन विरोधी भाजपा सरकार को प्रदेश की 2019 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में सबक सिखाते हुए इनोलो बसपा गठबंधन की सरकार बनाने का जनादेश देगी। अगली अपडेट है नोएडा में आम आदमी पार्टी की जन अधिकारी रैली। दोस्तों दिल्ली NCR के नोएडा में शनिवार को आम आदमी पार्टी की जन अधिकारी रैली होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह 29 अगस्त से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जन अधिकार पदयात्रा कर रहे हैं। सहारनपुर से शुरू हुई इनकी यात्रा मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद होते हुए नोएडा में इस रैली के साथ संपन्न करेंगे। नोएडा के सेक्टर 46 में दोपहर 3 बजे इस रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के अलावा बीजेपी के नाराज नेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा के भी शामिल होने की संभावना है। अगली अपडेट है दोस्तों ट्रंप के पूर्व सलाहकार को 14 दिन की जेल। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी टीम में पूर्व सलाहकार जॉर्ज पापाडोपुलोस को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के मामले में 16 दिन जेल की आज सुनवाई की गई है। उन पर रूस के कथित मध्यस्थलों से मिलने के समय को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने झूठ बोलने का आरोप लगाया है। मामला रूस का अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने को कथित आरोप से जुड़ा है। जॉर्ज पापाडोपुलोस ने कोर्ट में कहा है कि वो देशभक्त अमेरिकी है, लेकिन झूठ बोलकर उन्होंने गलती कर दी। जॉर्ज डोनाल्ड ट्रंप के पहले ऐसे पूर्व सहभागी है जिनकी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। इनको पहले ही 200 घंटे की सजा सेवा और $9,500 के जुर्माने की सजा दी जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले की जांच पर खर्च पैसे की लेकर ट्वीट किया है। दोस्तों ये थी आज की खास और प्रमुख खबरें जिन पर बनी रहेगी सपने। आप जानते हैं अगली अपडेट आपके क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों अगली अपडेट आपके निकल कर आ रही है जी न्यूज से। भारत और अमेरिकी सेनाएं उत्तराखंड में 2 हफ्ते तक मिलकर करेंगी युद्धाभ्यास। दोस्तों भारत और अमेरिका की सेनाएं आपस में सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 16 से 29 सितंबर के दौरान उत्तराखंड के चौबटिया में वार्षिक युद्धाभ्यास करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार यह अभ्यास आतंकवाद निरोधक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इस साल के अभ्यास की परिसीमा और सघनता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में वृद्धि के आलोक में ज्यादा व्यापक होगी। उन्होंने कहा कि हर पक्ष से करीब 400 सैनिकों के हिस्से लेने की संभावना है। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग में पिछले 2-4 सालों में नई रफ्तार नजर आई है। गुरुवार को दोनों देशों के बीच हुआ था अहम रक्षा करार। गुरुवार को भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता के बाद यहां दोनों के बीच एक रक्षा करार पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत भारतीय सेना को अमेरिका से महत्वपूर्ण और इंक्रिप्टेड कूट रूप से सुरक्षित तथा रक्षा प्रौद्योगिकी मिलेंगे। 2+2 वार्ता में दोनों देशों ने सीमा पर आतंकवाद NSG की सदस्यता के भारत के प्रयास और विवाद H1B वीजा के मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल का पोम्पियो तथा रक्षा मंत्री जेम्स मेटिस से वार्ता में दोनों देशों ने उनके बीच हॉट लाइन भी स्थापित करने का फैसला किया। स्वराज ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रथम वार्ता के एजेंडे पर संतोष जताया और इसमें बहुत बातचीत का ब्यौरा दिया। पेम्पियो ने संचार संगतता सुरक्षा समझौता कामकोसा को संबोधन में मील का पत्थर करार दिया। वहीं सीतारमण ने कहा कि करार भारत की रक्षा क्षमता और तैयारियों को बढ़ाएगा। कामकोसा करार होने के बाद भारत अमेरिका से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी हासिल कर लेगा और अमेरिकी तथा भारतीय सशस्त्र बलों के बीच अंतर संक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क तक भारत की पहुंच होगी। यह करार अमेरिका से मंगाए गए रक्षा प्लेटफॉर्म पर उच्च सुरक्षा वाले अमेरिकी संचार उपकरणों को लगाने को भी इजाजत देगा। स्वराज के कहा कि यह वार्ता दोनों देशों के नेतृत्व की रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर द्विपक्षीय सामरिक संचार की ओर अधिक बढ़ाने की और यह रुख बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका और भारत की सेनाएं जो है युद्धाभ्यास करेगी, जिससे कहीं ना कहीं भारत को फायदा ही होगा। अगली अपडेट दोस्तों आपको निकल आ रही है News18 से। ATM फ्रॉड से बचाने के लिए SBI का नया डेबिट कार्ड मुफ्त में उठाएं इसका फायदा। दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको फ्रॉड से बचाने के लिए बैंक का नया चीप वाला ATM जारी कर रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या खासियत है और क्या है इसमें काम की चीज़। दोस्तों ऐसे बदले आप मुफ्त में ATM कार्ड। ग्राहकों को मेगास्ट्रिप कार्ड को EAM कार्ड बदलने के लिए SBI के होम ब्रांच पर जाना होगा। अगर ग्राहक चाहे तो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कार्ड बदलने के लिए आवेदन कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे ग्राहकों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर ई सर्विसेज टैब में ATM कार्ड सर्विस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वे दिशा निर्देश के हिसाब से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ज्यादा सुरक्षित है नए ईवीएम चिप वाले कार्ड। दोस्तों ईवीएम चिप वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर एक छोटी चिप लगी होती है जिसमें आपको खाते की पूरी जानकारी होती है। यह जानकारी इनक्रिप्टेड होती है ताकि कोई इसके डाटा की चोरी नहीं कर पाए। ईवीएम चिप कार्ड में ट्रांजेक्शन के दौरान यूजर को सत्यापित करने के लिए एक यूनिक ट्रांजेक्शन कोड जनरेट होता है जो वेरिफिकेशन सपोर्ट करता है, जबकि मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों आप भी यदि SBI ग्राहक है और SBI का यूज़ करते हैं कार्ड वगैरह का, तो आप भी अपने होम ब्रांच में जाएं और अपने कार्ड को बदलवाएं, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और ये कार्ड कब बंद कर दें, इसकी गाइडलाइन जो है कुछ दिन पहले जारी करी थी और उसमें बदलाव भी हो सकता है। तो ये थी आज की कुछ खास और प्रमुख खबरें। इसको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ताकि सभी लोग जान सके आज की तमाम बड़ी खबरों को, साथ ही आज का मौसम पूर्वानुमान व सतर्क रह सके आने वाली बारिश से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।